हेलो फ्रेंड्स, आमना बुटीक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे एक मीटर कपड़ा कैसे नापते हैं, एक मीटर कपड़े में कितने इंचेस होते हैं। इस वीडियो में हम आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। यह हमारा मेजरमेंट टेप देख सकते हैं, यह 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच 5 इंच ये हमारे इंचेस हैं और ये सेंटीमीटर्स हैं। ये स्मॉल लेटर्स में हैं, ये सेंटीमीटर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हमारे सेंटीमीटर्स हैं और ये इंचेस हैं। जब हम कपड़ा नापते हैं तब हम सेंटीमीटर्स का यूज़ करते हैं। देख सकते हैं, एक मीटर कपड़ा हमारा हुआ। सौ सेंटीमीटर कपड़ा एक मीटर कपड़ा होता है और इसमें 39 इंच होते हैं। ध्यान रहे फ्रेंड, जब भी हम कपड़ा नापते हैं तो हमें सेंटीमीटर्स का यूज करना होता है। इंचेस हमने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया है, 39 इंच होते हैं एक मीटर कपड़े में। हम आप लोगों को एक मीटर कपड़ा नापना बता देते हैं। देख सकते हैं, ये किनारी वाली साइड है और ये कपड़े की चौड़ाई होती है और ये किनारी वाली साइड होती है। किनारी वाली साइड से ही हमें कपड़ा नापना होता है। जब हम शॉप से लाते हैं वो हमें किनारी वाली साइड से ही कपड़ा नाप कर देते हैं। इस तरीके से यहाँ पे हमने मेजरमेंट टेप रखा स्टार्टिंग से। देख सकते हैं, ये हमारा एक मीटर कपड़ा हो गया, 100 सेंटीमीटर। अब देखते हैं ये कितना कपड़ा बचा है। ये हमारा 46 सेंटीमीटर कपड़ा है, आधे मीटर में 4 सेंटीमीटर कम है। अगर ये यहाँ तक होता तो ये हमारा कपड़ा 1.5 मीटर हो जाता, इसलिए ये 1.5 मीटर कपड़ा नहीं है, 1.5 मीटर में 4 सेंटीमीटर कम है। फ्रेंड, ये हमारा पूरा इंची टेप 1.5 मीटर का होता है। आई होप सो इस वीडियो में आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आप लोगों को कुछ भी समझने में प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल आमना बुटीक को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।